हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शॉप सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नेम है क्या अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को जिसने डिग्री कर रखी है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का पैन तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट जिसने डिग्री कर रखी है, क्या उसको जो है होटल मैनेजमेंट की डिग्री करने के बाद अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत है या नहीं? तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको क्यों जरूरी है। आपने डिग्री जब ऑलरेडी कर ली है तो आप अप्रेंटिसशिप करना क्यों चाहते हो? आपने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है। क्या होता है इसके अंदर कुछ पत्नी क्या अच्छा है जो वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है? कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ अप्रेंटिसशिप इज ए जो है ट्रेनिंग है, मीन्स आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग की तरह। जैसे आपने आईटी करी होगी, आपने जेटी करी होगी, उसी तरह की अप्रेंटिसशिप है जो एक ट्रेनिंग है, मीन्स इसमें आपको सिखाया जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें आपको एक ही डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है अप्रेंटिसशिप में। जैसे जॉब ट्रेनिंग है ना, ऐसी ही अप्रेंटिसशिप है। तो आप क्यों जाना चाहोगे अप्रेंटिसशिप करना? जब आपने डिग्री ऑलरेडी कर रखी है, क्यों आप अप्रेंटिसशिप करोगे? आपके पास डिग्री है, आप सीधा जॉब ट्रेनिंग करिए। जॉब ट्रेनिंग के पास सीधा आप जॉब लीजिए, आपको अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत ही नहीं है। अप्रेंटिसशिप का जो काम होता है वो एक कॉमी थर्ड का काम होता है। वो सारे काम वही करेगा, बट उसकी जो है सैलरी उससे हाफ होगी। जो कॉमी थर्ड की जो सैलरी होती है उससे हाफ सैलरी उसको मिलती है, और वो ट्रेनिंग के तौर पे उससे ट्रेनिंग की तरह काम करवाया जाता है, एक हेल्पर के तौर। जैसे उससे कटिंग करवाना, चॉपिंग करवाना, उससे स्टोर मंगवाना, ये सब काम करवाया जाता है। साथ में ग्रेवी बनवाना, चॉप मसाला बनवाना, ये सब उनसे करवाया जाता है। जब आपने ऑलरेडी डिग्री कर रखा है तो आपको सीधा जॉब ट्रेनिंग करनी चाहिए। सिक्स मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद सीधा आपको जॉब ले लेनी चाहिए किसी भी होटल में। जब आपकी जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो किसी भी होटल में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज हो जाती है कि किस डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जो है 6 महीने की ट्रेनिंग करके आए होते हो, और आपको पता होता है कि ये चीज़ कैसी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हर ग्रेवी के बारे में पता है। जैसे मैं इंडियन की बात करूँ, इंडियन ग्रेवी के बारे में आपको सारा कुछ पता होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हो। आप अगर आप फूड ट्रायल भी देना चाहो ना, वैसे तो कौमी थर्ड का फूड ट्रायल नहीं होता, बट होटल पे डिपेंड करता है। अलग अलग होटल के जो ब्रांड है, जो 5 स्टार है, 7 स्टार है, अलग अलग होटल का अपना अपना रूल है कि वो किस तरीके से आपका जो है फूड ट्रायल लेते हैं। कौमी थर्ड का वैसे ज़्यादा फूड ट्रायल होता नहीं है, उनका सिर्फ क्वेश्चन से ही जो काम चल जाता है। अगर फूड ट्रायल होता भी है तो सिंपल सी एक कोई डिश बना के आपको देनी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आपको जो है डिग्री करने के बाद आपको जो है अप्रेंटिसशिप नहीं करनी चाहिए, सीधा आपको जॉब ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो अपने डाउट अपने पास मत रखिए, वो डाउट मेरे से शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर करूंगी। और आपके लिए एक नई नई वीडियो लेकर आऊंगी जिस पर आप बोलेंगे कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपने जो कमेंट्स बॉक्स में लिखा है, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको मैं बता सकूँ सामने से, ताकि आपको फील ही ना हो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपको फील ही ना हो कि मैं जो है आपको लिख के बता रही हूँ, आपसे बात ही नहीं कर पा रही। जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप बस यही देखिए कि मैं डायरेक्ट जो है आपसे बात कर रही हूँ, और मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको कोई भी डाउट अपने पास नहीं रखना, जो भी डाउट है आपको मेरे से शेयर करना है और मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर करूंगी। तो चलिए मैं इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करती हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।